तो दोस्तों मैं अभी अभी छत पर आया हूँ और मैंने आते ही सारी छत की सफाई कर दी है, परिंदों को भी देख लिया, सब ठीक है। और एक गुड न्यूज़ भी है, जो अभी भाई कहीं गए हुए हैं काम से, भाई आने वाले हैं तो भाई को आगे दिखा, भाई आगे दिखाएंगे, भाई पहले खुद देखेंगे, वो ढूंढेंगे कहाँ है गुड न्यूज़, फिर वही आपको वीडियो में दिखाएंगे। आपको बता देता हूँ वैसे, ये जो हमारी मुर्गी है, ये असली मुर्गा मुर्गी, इन्होंने अंडा दे दिया है, तो भाई आ जाएँ, भाई को बताऊँगा नहीं, भाई से बोलूँगा खुद ढूंढ लो गुड न्यूज़ एक सेटअप पर, क्योंकि कभी ऐसा होता है, कभी क्या अक्सर ही ऐसा होता है कि हम लोग आते हैं सेटअप पर, कोई ना कोई हमें बैड न्यूज़ मिली भी होती है, कभी बटेर बीमार, तो कभी मुर्गा बीमार, तो कभी कुछ मर गया, तो इसी तरह। तो आज फर्स्ट टाइम भाई को गुड न्यूज़ मिलेगी सेटअप पे, और वो हमारी मुर्गी ने अंडा दे दिया, आज फर्स्ट टाइम दिया उसने, तो भाई आ जाए तो भाई को दिखाते हैं। तो ये देखें, सारी सेटअप की सफाई हो चुकी है, हर जगह की मतलब झाड़ू वाड़ू निकाल दिए, कोई गंदगी नहीं है। ये केजिस वगैरह की भी सफाई करनी है, अभी यहाँ केजी गंदा हो रहा है, इतना गंदा नहीं है, सबसे ज़्यादा गंदा हो रहा है ना ये खरगोश वगैरह केज गंदा है, तो इसकी सफाई करनी है इंशाल्लाह, वो भी जल्दी करेंगे। और ये मैंने इनकी भी, इनकी केज की भी सफाई कर दी है, पूरी चादर वादर सही तरीके से बिछाई है, चादर को इसे बांध दिया है इस तरीके से ना, ये ऐसे, ताकि अभी ये दोबारा एक तरफ सिमटे नहीं। और इसका अंडा मैंने साइड में रख दिया है या कोने में, तो ये भाई आ जाए तो भाई भी देखेंगे गुड न्यूज़। तो दोस्तों भाई भी आ गए और अभी आए ऊपर, और ऊपर भी आ गए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सेटअप पे गुड न्यूज़ है। अच्छा, और वो ढूंढ लो आप कहाँ पर है, किसी केज वगैरह में ही है, तो देख लो गुड न्यूज़ कहीं दिख रही है केज वगैरह में। गुड न्यूज़, बच्चा ने तो अंडा नहीं दिया? नहीं, माशाल्लाह। इसने कब दिया? अभी मैं आया हूँ, सफाई वगैरह की है तो देखा इसने अंडा दिया हुआ था। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों मैं गया हुआ था थोड़ा काम से घर के, तो आते हुए मैं चावल भी लेके आ गया हूँ मुर्गा मुर्गी के लिए, अपने छत पर आया हूँ। तो आज बड़ा मज़ा आया देख के कि हमारी वाली मुर्गी ने अंडा दे दिया है, और जो मेरे कज़न ने गिफ्ट दिया था हमें मुर्गा मुर्गी का, वो भी देख लेगी, उनको भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि उनके पास जो है अभी इसी के जो बहन भाई हैं, उन्होंने अभी तक अंडे नहीं दिए, जो हमारे पास ये असील पैर है, इसने माशाल्लाह से आज पहले अंडा दे दिया। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था, अगर ये मुर्गी कुड़क होती है अंडे देने के बाद, तो मैं इसको अंडों पर नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि अभी भी देखें इसके अंडे का साइज़ कितना था। मैं अंडा निकाल के दिखाता हूँ बाहर, मैंने भी अभी देखा, बड़ी खुशी हो रही है मुझे देख के। अंडा क्या तो दोस्तों ये देखें, इसके अंडे का साइज़ बस इतना सा है, ये एक इंच का है तकरीबन, ये एक इंच से थोड़ा सा बड़ा होगा अंडा। तो इसमें से बच्चे जो हैं वो इतने ताकतवर नहीं निकलते, बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चे निकलते हैं, जो कुछ ही टाइम में सर्वाइव नहीं कर पाते, वो फिर मर जाते हैं। मरने से बेहतर है कि ये अंडे घर में काम में आ जाएंगे खाने के। तो ये भाई ने बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी, मैं समझा बत्तख ने अंडा दे दिया हमारी, तो बत्तख ने तो अभी नहीं दिया, लेकिन ये कि वो थोड़ी छोटी है, इंशाल्लाह वो भी कुछ टाइम में अंडे दे देगी, फिर उसके बच्चे भी हमारे इस सेटअप पर आ जाएंगे। और बाकी आज जो हमारा शेरू बीमार हुआ था, उसका मेरे को आपको बताना है, मैंने आपसे कहा था कि हमारा शेरू सही जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हमने इसको क्या दवाई की। तो पहले मैं शेरू को निकालता हूँ, फिर उसके बाद आपको ही बताता हूँ। अल्लाह ना करे आपके साथ कभी ऐसा सीन हो, अगर ऐसा हो भी जाए तो उसको क्या दवाई देनी है मुर्गा मुर्गी को। तो दोस्तों मैं चावल लाया था, उनको डाल लेता हूँ, उनकी खा भी लेते हैं अब तक। वैसे ठंडे मौसम में ज़्यादा चावल नहीं देने चाहिए, लेकिन ये कि अगर हफ्ते में एक दो बार दी जाए तो इसका कोई मसला नहीं। और मैं आपको अपना शेरू दिखाता हूँ, ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। इसको मैंने दवाई क्या दी थी, पेनाडोल की गोली, एक सुबह और एक शाम, मैंने नहीं दी थी, भाई ने दी थी। तो उससे ये है कि माशाल्लाह सिरप से बेहतर है, काफ़ी लोग सिरप देते हैं मुर्गा मुर्गी को, तो सिरप से जो मैंने अभी तक आजमाया, सिरप से इतना फ़ायदा नहीं होता जितना टेबलेट से फ़ायदा हो जाता है। तकरीबन परिंदे ये बटेर को दिए थे, बटेर को पहले सिरप दे रहे थे हम पेनाडोल का, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हो रहा था, फिर एक गोली इसको पेस्ट बना के दिया, लिक्विड बना के, तो माशाल्लाह हमारा बटेर भी काफ़ी बेहतर हो गया। इसको लिक्विड बना के नहीं दिया था, इसको डायरेक्ट मुंह खोल के गोली इसके मुंह में डाली थी, तो उससे माशाल्लाह सही हुआ, जिसको बुखार हो गया था, हड्डियों में दर्द वगैरह वो बिल्कुल सही हो गया। आप देखें आपके सामने माशाल्लाह से, ये आप दवाई अल्लाह ना करे कभी आपके साथ ऐसा मसला हो, तो पेनाडोल की गोली सुबह शाम देते रहेंगे, दो तीन दिन तक के देंगे, इंशाल्लाह आपका परिंदा बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो दोस्तों पहले खोलना तो उसको चाहिए था, क्योंकि आज उस मुर्गी ने अंडा दिया है, उसकी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे, लेकिन ये कि बस खुशी हो रही है, अंडा खाने का काम में आएगा,
बच्चे उसमें से नहीं निकलवाऊंगा मैं, इस वजह से क्योंकि वही मैंने आपको बताया कि बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे। लेकिन मैंने शेरू को पहले खोल लिया, इसकी फीमेल को, वो इस वजह से खोला था कि आपको ये बता सकूँ कि इसको ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए। अल्लाह ना करे आपको अगर बर्ड्स का भी बीमार हो जाए, परिंदे कोई भी बीमार हो जाए, तो जितना हमें पता है उतना आपको भी इंशाल्लाह बताते रहेंगे साथ साथ, ताकि आप भी उसको केयर कर सकें, उसकी ट्रीटमेंट कर सकें। और पहले आपने देखा होगा कि मेरे भाई ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया था, इसकी एक बाइंडिंग हो गई थी जो लव बर्ड की फीमेल थी हमारे पास। लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम वीडियो में शो नहीं करवा सकते, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ बताते भी रहेंगे, आपको भी गाइड करते रहेंगे और आपसे हम भी सीखते रहेंगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे भाई ने मुझे बताया वीडियो पे हमारी कि पिजन लाए, तो इंशाल्लाह वो लेके आएंगे। लेकिन अभी किसी वजह से हम रुके हुए थे, हमारे सेटअप पे जगह नहीं है उसकी, और कुछ वजहें थी जो नहीं बयान कर सकता मैं आपको वीडियो में, वो भी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आ जाएंगे। अभी तो हमारी डस आई है, ये माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, बस दिल करता है इसको खोलते खोले हुए रखें और देखते रहें इनको। अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी थोड़ी सी कम हो जाए तो फिर इनके यहाँ पे स्विमिंग पूल भी बनाएंगे, ताकि ये कि ये नहा सकें यहाँ पे। इन लोगों को नहाने का बहुत ज़्यादा शौक है, अभी थोड़ा सा पानी डालते हैं, फिर फ़ौरन पानी को यूँ चोंच में लेके अपने ऊपर डाल दी होती है बत्तख। और दोस्तों मैं वीडियो बना ही रहा था अभी, तो हसन और मास भी छत पे आ चुके हैं, और आज देखें मास बिल्कुल भी तैयार होकर नहीं आया। मैं आपको मास दिखाता हूँ, देखिए ऐसे ही उठ के आ गया, इसके बाल बाल सब ऐसे ही दिख रहे हैं। वैसे हाँ मास तैयार होके क्यों नहीं आया, कौन सी वाली बत्तख वाली वाली वीडियो तो डाल दी? बत्तख वाली वीडियो डाल दी, मैंने की वीडियो नहीं देखी। तुम कौन सा चैनल सब्सक्राइब करा हुआ तुमने हमारा? तुमने किसी और का चैनल तो नहीं देख लिया? मास तुमने देख ली ना बत्तख वाली वीडियो? हाँ? देखो मास ने तो देख ली, उसने देख ली तुम्हारे मोबाइल पे, तुमने नहीं देखी। मोबाइल किसका है मास? तुम्हारा है हसन का है? मेरा। तुम्हारा है ना, कौन सा है? मोटो E4। अच्छा E4 है या कोई और सा है? मोटो है, मोटो है बस इतना पता है। अच्छा मोटोरोला है, तुम भी वही मोबाइल चलाते हो? उसका उसके पास मोटो है, उसके पास मोटोरोला है, मोबाइल एक ही है, नाम दो दो है। दोस्तों ये आया था वीडियो का पूछ दिया, उसने बत्तख वाली वीडियो डाली डाली और उसने देख ली बत्तख वाली वीडियो, उसने अभी तक के नहीं देखी। तो अभी थोड़ी देर में शो हो जाएगी, या मोबाइल में पास ले आना, मैं आपको लगा के दे दूंगा, उसमें देख लेना। सही मास तुमने देख ली ना बत्तख वाली वीडियो में? तुम आए हो ना, जब भी तुम देखने आए हो मैं पूछने आए हो बत्तख वाली वीडियो कब डालोगे? क्या चू आबिद देखेंगे? आबिद भाई का तो मुर्गा है, ये देखो ये रहा आबिद भाई का मुर्गा, मामू आबिद है। हाँ मामू आबिद, सॉरी आबिद भाई जिन्होंने मुर्गा भेजा वो इनके मामू रिश्ते में लगते हैं। तो ये बच्चे हमारे घर की तरह ही बिल्कुल घर में साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनसे मोहब्बत थी हम सबको। इसी में से अभी छत पे आ गया पूछने की, जो बत्तख वाली वीडियो डाली थी वो मेरे पास शो नहीं हो रही, वो इत्तेफाक हो गया, वो शो नहीं हो रही कि अभी मैं इसको दिखा दूँगा वीडियो का है। वो इस वजह से देखने आया कि ये खुद भी इस वीडियो में था, ताकि अपने आप को बच्चे यूट्यूब पर देखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो दोस्तों अब ये शेरू ने दाना खा लिया, इसको बन करके अपनी बत्तख को खोलते हैं। तो दोस्तों एक बात तो भूली गई, अभी भी भाई ने याद दिलाया कि हमने, मैं बत्तख बत्तख कह रहा था क्योंकि हमने इसका नाम रखा था, जैसे हमारा शेरू है तो ये रोमियो जो मेल है और उसकी जो फीमेल है उसका मैंने नाम रखा था, क्या नाम रखा था? डायमंड। नाम क्या रखा था पहले? हीर, हीर, हीर नाम रखा था उसका। मैं नाम देते भी निकल गया, अभी भाई से मैंने पूछा तो भाई ने इसका बताया कि इसका नाम जो फीमेल है इसका डायमंड नाम रखेंगे, क्योंकि वाइट है बिल्कुल हीरे की तरह माशाल्लाह से, और जो हमारा मेल है बत्तख का वो है रोमियो। तो रोमियो और डायमंड को बाहर निकालता हूँ ताकि ये भी थोड़ा दाना वगैरह खा ले। तो दोस्तों हमारे रोमियो और डायमंड बाहर घूम रहे हैं, लेकिन ये चावल शायद शौक से नहीं खाते, चावल की रस नहीं आ रही है, तो इनको थोड़ा दाना डाल देते ताकि ये दाना खा ले। तो दोस्तों माशाल्लाह से ये लोग चावल खा रहे हैं अभी, तो ये चावल खा रहे हैं तो फिर इनको दाना नहीं डालते, क्योंकि एक दफ़ा जिस चीज़ की आदत बन जाती है परिंदों की तो फिर वो वही चीज़ खाते हैं, उसके अलावा दूसरी चीज़ खिलाना उनको मुश्किल होता है। जैसे अभी हमारे जो असील मुर्गा मुर्गी हैं इनको भाई मिक्स दाना बना के देता है चोकर वगैरह मिला के, तो वो इनके लिए बहुत हेल्दी होता है, बहुत अच्छा दाना होता है इनके लिए। तो वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगा किसी दिन कि हम क्या क्या मिला के देते हैं अपने मुर्गा मुर्गी को,
और ये चूजे वगैरह को, चूजे की हेल्थ भी देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी हो रही है। अब मसला ये है कि यूज़ दाने के अलावा कुछ और खाना पसंद नहीं करते, घर की चीज़ें फिर भी खा लेते हैं, लेकिन कभी इत्तेफाक ऐसा हो जाता है कि दाना थोड़ा सा कम है या लाना हम भूल गए तो वो मिक्स दाना ही इनको चाहिए। फिर ये करते हैं कि घर की रोटी वगैरह इनको बना के देते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा खा लेते, इतना शौक से नहीं खाते क्योंकि इनकी आदत मिक्स दाने की लगी हुई जो हम दाना बना के देते हैं इनको। तो दोस्तों माशाल्लाह रोमियो तो मेरे हाथ से खा रहा है लेकिन डायमंड नहीं खा रही। आओ डायमंड, ये डायमंड भी आ गई माशाल्लाह। इनका नाम बताओ, बत्तख का नाम क्या रखा है? और रोमियो और बताओ इधर से चिटिंग हो रही है पूरी क्या नाम रखा है? डायमंड। रोमियो और डायमंड, बताओ दोबारा बताओ क्या नाम रखा है? डायमंड। सही, अब सही बताया। नाम और... कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा। और मुर्गे का क्या नाम है? शेरू। सही, तुम्हें याद है ये रोमियो लग गया मास्क के पीछे वो रोमियो ने मास्क को भगा दिया, वो नीचे तक के छोड़ने गया उसको। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।